गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. स्टैंडर्ड फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3. काइट फ्लाइंग इज फन. इट वॉज अ होलीडे. ए लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग. चिल्ड्रन वेर हैविंग फन. सम चिल्ड्रन वेर प्लेइंग क्रिकेट एंड अदर वेर आउट रनिंग एंड चेसिंग इच अदर. सम पीपल वेर फ्लाइंग काइट्स. फादर विल यू टीच मी हाउ टू फ्लाई काइट्स, आस्क तरुण पेंटिंग विद एक्साइटमेंट. आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न हाउ टू फ्लाई काइट्स, जॉइन इन नेहा ही इज यंगर सिस्टर. फादर वॉज सिटिंग ऑन हिज फेवरेट रॉकिंग चेयर एंड सिपिंग ए कप ए हॉट कॉफी. अच्छा, छुट्टी का दिन था, बच्चे खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे. अब उसके उनके पापा है तरुण और उस नेहा, तो वो कॉफी पी रहे थे और तरुण पेंटिंग बना रहा था. वो सोच रहा था कि फ्लाइंग कैसे, काइट कैसे फ्लाइंग करेगा, करता है. तो उसके फादर वॉज सिटिंग ऑन हिज फेवरेट रॉकिंग चेयर एंड सिपिंग कप हॉट कॉफी. हॉट कॉफी पी रहे थे वो. वेल लेट मी फिनिश बाय कॉफी, देन वी शैल गो आउट एंड आई शैल टीच यू हाउ टू फ्लाई ए काइट. उसके पापा बोलते हैं कॉफी फिनिश होने दो, फिर मैं कैसे काइट उड़ाते हैं वो मैं सिखाता हूँ. यीपीएल तरुण नेहा रन टू गेट द बिग रेड काइट विथ ए येल्लो सर्कल इन द मिडल एंड ऑफ कोर्स यू विल एंड द व्हील ऑन विच द काइट वाइंस वॉज वाउंड. शुन तरुण नेहा एंड फादर वेयर आउट इन द प्ले ग्राउंड नियर द हाउस. वो लोग रेड कलर का काइट लेके आते हैं और उनके घर के पास प्ले ग्राउंड है, वहाँ जाते हैं. फादर चेक द काइट एंड देन टूक ए पीस ऑफ स्टीयरिंग फ्रॉम द व्हील एंड पायरस थ्रो द काइट. ही टाइड द एंड द स्टार्टिंग टू दिस वे टाइड द लॉन्ग स्टीयरिंग फ्लाई द काइट. आफ्टर टाइंग द स्टीयरिंग द सेड तरुण होल्ड द काइट एंड गो एंड स्टैंड एट सम डिस्टेंस. जो हम काइट की किन्ना बांधते हैं ना, वो बांधते उसके पापा और मोड़ के देखते हैं कि अच्छा काइट है कि नहीं. फादर कैन आई होल्ड द व्हील क्रिप्ड इन नेहा विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ऑफकोर्स नेहा सेड फादर. तरुण हेल्ड द काइट एंड क्विकली मूव द पोजिशन. फादर एंड इंडिकेटेड नेहा टुक द व्हील एंड फादर हेल्ड द ट्वाइन. नाउ तरुण होल्ड द काइट अलॉफ्ट विथ बोथ द हैंड्स एंड व्हेन आई शे यस रियलाइज इट. हम जब काइट चढ़ाते हैं तो जो फिरकी लेके पीछे खड़ा रहता है ना, ऐसे तरुण पीछे खड़ा रहता है फिरकी लेके और उसके पापा स्टार्ट करते हैं काइट चगाने का. तरुण डिड एक्साइटली दैट सून द काइट वॉज इन द एयर. तरुण एंड नेहा स्क्वेयरली डिलाइटेड. फादर एक्सपेक्ट एट द ट्वाइन एंड द काइट वेंट हायर एंड हायर. ऊंचा उड़ाते उसके पापा काइट को. सून ही गेव ट्वाइन द तरुण सेंड. तरुण फील द वेट ऑफ द काइट एंड देन सडनली द काइट बिगेन द स्वूप. फादर क्विक स्टेड इट. नाउ तरुण गेनली टक द ट्वाइन एंड कूल सी द काइट फ्लाइंग. नेक्स्ट वॉज नेहा. नेहा's turn. So तरुण gave the twine and Neha. Father held the twine of her. All of sudden they saw a red and green kite coming very close to their kite. Father quickly took the twine from Neha's hand. Neha के हाथ में kite चगाने को देते हैं उड़ाने को. तब suddenly green color का kite उसका उनके पास red उनके kite के पास आ जाता है. तो उसके पापा Neha के हाथ से ले लेते हैं kite को. He shall look carefully. The red kite wants to have fight with her kites, with our kites. Father let the twine a little loose and pull the sideways. Their kite got entwined with the red kite. Father gave a sharp tug and said, "Here we go." आप लोग पिक्चर में देख सकते हो. The red kite began to glide slowly away from their kite. And then started floating down. Tarun and Neha clapped a vine, hugging father. Hooray, father, you are simply wonderful, shouted Neha. Father, you are an expert at flying kite, said Tarun. Tarun bolta hai, expert ho kite chagane mein. Okay, ye chapter 3 yahan finish hota hai. Uske hard word, difficult word jo diye hai, wo tumko homework mein diye hai, wo karne hai. Uske baad MCQ diye hai, wo aapko likhne hai. और ये क्वेश्चन आंसर और हु शेड है वो आपको करना है. थैंक यू.